गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रिसेंट मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। नाउ वी लुक एक्सरसाइज 5.5। अब हम बेटा एक्सरसाइज 5.5 देखते हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पुट अ टिक ऑन द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय, ऐसी संख्याओं पर टिक करिए जो डिवाइड हो जाए बाय 4। किससे? 4 से। फिर से देखिए बेटा, पुट अ टिक ऑन द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4, 146, 274, 728, 904, 6500। ऐसी संख्याओं पर टिक करिए जो 4 से डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो 4 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी बेटा, देखिए अगर हम देखते हैं, काटिए 4 2 जा 4 3 जा 12 12 हो गया, 2 बचा 2 6 26 हो गया, तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। अब हम 274 को देखते हैं, 4 6 जा 24, अब कितना बचा आपका? 3 34 हो गया, नहीं 4 8 जा 32 होता, 34 नहीं कटेगा। तो क्योंकि 4 9 जा 36 हो जाता है, 4 8 जा 32 नहीं कटेगा। अब इधर देखिए, 4 1 जा 4 3 इसमें चला गया, तो 4 8 जा 32 और 8 0 4 2 जा 8 एक कट गया, आई मीन 728 कटेगा। फिर देखिए 9 1 4 4 4 2 जा 8 1 उसमें चला गया, 1 0 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 उसमें चला गया, तो 2 4 24 हो गया, 4 4 24 हो गया, 4 6 जा 24, तो 904 भी कट गया बेटा। फिर 6500 देखिए, 4 1 जा 4 2 उसमें चला गया, 4 6 जा 24 1 उसमें चला गया, 4 2 जा 8 2 उसमें चला गया, 4 5 जा 20 आई मीन 728, 904 और 6500 कट जाएंगे। अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप इसको कॉपी में कर सकते हैं। देखिए बेटा, 728 को 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 अब 7 में से 4 माइनस होगा, 3 बचेगा, 2 उठा लेंगे, 4 8 जा 32 32 में से 32 माइनस होगा, 0 बचेगा, 8 उठा लेंगे, तो 4 2 जा 8 8 से 8 माइनस होगा, 0 आएगा। आई मीन वही संख्या है जिसको जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, क्वाटेंट आपका आए और रिमाइंडर 0 आए, तब वो संख्या आई मीन जो कट जाए डायरेक्ट, वही संख्या है, वो उसकी डिविजिबल संख्याएं होती हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए बेटा देखिए, ऐसे ही अगर आपको ऐसे ना कर पाइएगा तो सारी संख्याओं को ऐसे डिवाइड करके तब काटिएगा, अगर कट जाए रिमाइंडर 0 आता है तब संख्या कट जाएगी। चलिए बेटा देखते हैं, देखिए बेटा 4 से कौन कौन सी संख्या कटेंगे, 728, 904, 6500। तो आप राइट करेंगे द नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 4, ऐसी संख्या जो 4 से डिवाइड, कौन कौन सी? 728, 904, 6500। दिस इज योर आंसर। बेटा हमने डिवाइड करके सारी संख्याओं को देखा है, तभी हमारी संख्या आई है, आप भी डिवाइड जरूर करिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 8, इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से डिवाइड होंगी? पहला ए है 96, बी 726, सी 9824, डी 76504। अब देखिए बेटा, इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो 8 से डिवाइड, तो डिवाइड कर लीजिए 96 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका कटेगा डायरेक्ट आंसर आएगा 12 8 जा 96 कट गया, तो 8 इस पर टिक कर लीजिए। अब 726 को 8 से डिवाइड करिए तो नहीं कटेगा, आएगा बेटा इसमें रिमाइंडर बच रहा है 75, क्वाटेंट आया 90 और रिमाइंडर आपका बचा है 75, तो इस वजह से ए डिविजिबल नहीं है, तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, बी आपका कटेगा नहीं, सी देखिए
9824 डिवाइडेड बाय 8, इसको डिवाइड करने पे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 1228। तो ये भी कट गया, ये संख्या आपकी है डिजुअल। अब जी देखिए बेटा, 76504 डिवाइडेड बाय 8, तो ये भी कटेगा, आपका आंसर आएगा 9563। अंडरस्टैंड? आई मीन चार संख्याएं जो है ए बी सी डी, जिसमें से बी है जो डिजुअल नहीं है, जो 8 से नहीं कटेगा, बाकी 3 ए सी डी ये आपके कट जाएंगे, तो इन तीनों पे आप टिक कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, पुट टिक इफ डिजुअल एंड क्रॉस इफ नॉट डिजुअल राइट। कह रहा बेटा टिक करिएगा यदि वह डिवाइड हो जाती हैं और क्रॉस करिएगा यदि वह डिवाइड नहीं हो पाती है। किससे? दी गई संख्याओं से। दी गई संख्याएं अगर इन दी गई संख्याओं से कट जाती हैं तो उन संख्याओं पर टिक करिएगा, उन संख्याओं के नीचे। अगर नहीं कटती हैं तो ऐसे क्रॉस करिएगा, जैसे यहाँ पर आप क्रॉस कर सकते, बट पेंसिल का ही यूज करिएगा बेटा, बुक में कोई कॉपी पेन का यूज नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, जैसे आपका है नंबर, आपकी संख्या क्या है ए 99, और डिजुअल वाई किन 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 संख्याओं से डिवाइड करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10 है ना, देखिए बेटा यहाँ पर 10 है, तो इनसे आपको डिवाइड करना है। तो क्या 99 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से कटेगा बेटा, लेकिन 3 जा जाएगा, डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट किससे कटेगा, 9 से कटेगा, तो 9 पर आप टिक कर लीजिए। जो डायरेक्ट काट दे उनको, ठीक, तो 9 पर टिक करिए। फिर 100 है, 100 देखिए, 100 कटेगा, 2 5 10 0, आई मीन 50 52 100 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से कैसे कटेगा, 25 100 25 100 और 10 10 100, आई मीन किससे किससे कटा है, 2 से 5 से और 10 से 100 कटा, तो इन तीनों पर हम टिक करेंगे, 2 के नीचे टिक करेंगे, 5 के नीचे टिक करेंगे और 100 के नीचे टिक करेंगे। सी देखिए, 96 किसके किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 के नीचे टिक कर लीजिएगा, 2 वाले बॉक्स में टिक करेंगे, और फिर 3 से भी कटेगा तो इसमें भी टिक करिए, 4 से भी कटेगा, 4 2 8 और 1 इसमें चला गया 16, 4 4 4 16, तो 4 से भी कट जाएंगे, 6 से भी कटेंगे, 6 1 6, 3 इसमें चला गया 36 हो गया, 6 6 36, तो 6 से भी कटा है, और बाकी बेटा किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये बेटा क्रॉस मत करिएगा, टिक कर लीजिएगा तो वो समझिएगा जो टिक है वही, और जो क्रॉस जो डिजिटल नहीं है उस पर आपने टिक नहीं किया। अंडरस्टैंड? फिर जी देखिए, ये संख्या इस टिक उसी संख्या पे करना है कि ये संख्या दी गई संख्याओं से जिन संख्याओं से कट जाती है उन्हीं संख्याओं के बॉक्स में आपको टिक करना है। अब देखिए 702 से कटेंगे, जैसे 2 3 6, 1 इसमें चला गया, 2 5 10, 2 1 2 कट गया ना, तो 2 के बॉक्स में टिक कर लेंगे। फिर हम 3 से देखेंगे, 3 2 6, 1 इसमें चला गया, 3 3 9, 1 इसमें चला गया, 12 हो गया, 3 4 12, तो 3 से भी कट गया, तो इसके भी बॉक्स में हम टिक करेंगे। अब हमारा 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से देखिए, 6 1 6, 1 इसमें चला गया, 6 1 6, 3 इसमें चला गया, नहीं कटेगा। चलिए देखिए, अगर देख लीजिए इसे कटता है कि नहीं, पहले 702 को आप 6 से काटिए, 702 को 6 से काटना है, 6 1 6, 7 में से 6 माइनस होगा, 1 बचेगा, 0, 6 1 6, 4 2 6 1 42 कट जाएगा बेटा,
170 आएगा तो डायरेक्ट देखिए कट जाएगा, 6 1 6 सेवन में से 6 माइनस होगा 1 बचेगा, 0 डालेंगे 6 1 6 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 2 डालेंगे और 6 1 42 में से 42 माइनस होगा तो कितना आएगा 0, आई मीन डायरेक्ट कट गया 100 तो 6 से कटेगा, तो आप 6 पर क्या करेंगे टिक करेंगे। फिर 9 से भी देखेंगे क्या 9 से कटता है 702, तो 702 को 9 से काटिए, 9 7 63 तो 10 में से 3 माइनस होगा 7, देखिए बेटा 702 को 9 से डिवाइड करेंगे कटेगा 78 आएगा आंसर, 9 7 63 70 में से 63 माइनस करेंगे 7 बचेगा, 2 उतार लेंगे 9 8 72 तो 72 में से 72 माइनस होगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया है कट गया है, तो ये आपका 9 से भी कटेगा बट 10 से नहीं कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा पेंसिल से ही सारा बॉक्स आपको कंप्लीट करना है, टिक करना उसी संख्याओं पर जो संख्याएं जिन संख्याओं से दी गई संख्याएं कट जाती है। 99 बेटा 3 से भी कटेगा, आप 3 पर भी टिक कर सकते हैं बट 6 4 5 6 से नहीं कटेगा तो इस पर नहीं, और 9 से कटेगा इस पर भी आप टिक कर लीजिएगा कटे, लेकिन इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा, डायरेक्ट हो सकता है जिस संख्या ऐसी संख्याओं पर टिक करना है जो डायरेक्ट काटते, तो 9 1 9 9 1 9 अभी तक आपने देखा जो डायरेक्ट इनसे काटा है जैसे 5 2 10 जैसे 10 10 100 तो डायरेक्ट काट दिया गया है तो उस संख्याओं पर टिक करना है, तो इससे भी कट जाएगा बेटा, 3 पे भी टिक कर सकते हैं, टिक कर लीजिएगा 3 ठीक। अब देखिए बेटा अब जैसे 99 जो है जो 3 से कटेंगे और 9 से कटेंगे तो इन दोनों पे टिक करना है, 100 आपका है जो 2 से कटेगा 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, 96 जो है 2 से कटेंगे 3 से भी कटेंगे 4 से भी कटेंगे और 6 से कटेंगे और किसी संख्या से नहीं कटेगी, 702 किस से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा 4 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और 9 से कटेगा, अभी हमने आपको काट कर डिवाइड कर बता दिया। अब इन संख्याओं को ये संख्याएं किससे कटेंगी किससे नहीं, जिससे कटेंगे उसे पर टिक करना है, तो डिवाइड कर आपको देखना और उस संख्याओं पर टिक करना है, तो ये सारा चीज़ कंप्लीट करिए। 4 आपका एस डब्ल्यू है बट आपको सी डब्ल्यू एस डब्ल्यू के कॉपी में ही क्वेश्चन नंबर 5 को डायरेक्ट चार्ट बनाकर उसमें पूरा ए से लेकर यश तक का राइट करना, इसको सी डब्ल्यू की कॉपी में नहीं करनी है, इसे आपको यश डब्ल्यू के कॉपी में ही कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट योर असाइनमेंट। एक चीज़ देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में ए बताया गया बी एन सी सी डब्ल्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बी आपका सी डब्ल्यू है, 3 में भी बी सी डब्ल्यू है, ए सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए सी डब्ल्यू बी एन सी एस डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में ए सी डब्ल्यू बी एस डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 में ए सी डब्ल्यू बी एस डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा ए बी ए आपका सी डब्ल्यू है, इसे एस डब्ल्यू की कॉपी में नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 एस डब्ल्यू की कॉपी में नहीं करना, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा इसे आपको पूरा चार्ट बनाकर एस डब्ल्यू की कॉपी में कंप्लीट करनी है, अंडरस्टैंड पूरा इसे सी डब्ल्यू के कॉपी में, ऐसा नहीं करना कि 4 सी डब्ल्यू में कर दीजिए और 4 एच डब्ल्यू, ऐसा नहीं है, इसे पूरा चार्ट बनाकर आप एच डब्ल्यू के कॉपी में कंप्लीट करिएगा, तो कंप्लीट योर असाइनमेंट दैट्स ऑल।